हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो गुड आफ्टरनून। तो अभी दिन के बज रहे 3:30 और यहाँ अचानक से बर्फबारी शुरू हो गई है। बारिश तो मैंने सोचा नहीं था, और हमारा कल का विचार था मेरे ससुराल जाने का, तो शायद मुश्किल ही जाएंगे। पहले आज का था तो मम्मी ने सोचा भी था कि आज चले जाएंगे, क्योंकि कल बारिश पड़ सकती है और अचानक से बर्फबारी, और सुबह से धूप लगी हुई थी। आप लोग सच नहीं मानोगे, और कोई सोच भी नहीं सकता इसमें बर्फबारी हो सकती है, पर यहाँ बर्फबारी पड़ना स्टार्ट हो गया। बहुत ही ठंड लग रही है, मैंने कोट वोट पहन लिया है और कपकपाहट हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे आजकल के टाइम में कोई बर्फ़ पड़ता है तो मैंने सोचा नहीं था, तो सच्ची में बर्फ़ पड़ने लग गई। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देख सकते हो, फिर कोट में बताती हूँ। ये देख सकते हो, ये बर्फ़ पड़ रहा है, तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी अपने ब्लॉग में। सकते हो दोस्तों, ये यूँ पड़ रहा है आज अचानक से। अब मैं कल घर जाने वाली थी अपने ससुर, तो हमारी पैकिंग भी हो चुकी थी, और ये देख सकते हो आप, यूँ पड़ने लग गया। गढ़वाली में हम लोग यूँ ही बोलते हैं बर्फ़ के लिए, तो थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है। अगर ज़्यादा पड़ेगा तो मेरा जाना कैंसिल भी हो सकता है, मतलब मैं कल नहीं जाऊँगी, तब मैं परसों देखूँगी। अगर बर्फ़ नहीं पड़ता तो मम्मी तो बोल रही है कि कल ही जाना है, तो देखते क्या होता है। तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी अपने ब्लॉग में। इसलिए मैंने सोचा नहीं था कि बर्फ़ पड़ेगा। ये देख सकते हो आप, ये बारिश नहीं है, ये बर्फ़ के गोले हैं। सोचा नहीं था कि मैं अपने मायके से बर्फ़ देख के जाऊँगी। ये देख सकते हो मेरे कोट में, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, ये सफ़ेद सफ़ेद क्योंकि तिरछा पड़ रहा है। अभी बर्फ़ पड़नी स्टार्ट ही हुई है, और जैसे जैसे मतलब ठंड होगी, काफ़ी ठंड होगी और माइनस पे जाएगा ना जैसे ही तापमान, तो यहाँ और भी तेज़ बर्फ़बारी पड़ने लगेगी। तो यार, जो मैंने सोचा था ना मैं जाऊँगी, मैं बर्फ़बारी देखूँगी, तो सीरियसली वो ही हुआ है। वो भी जाते टाइम, और क्या सुबह से मेरी पैकिंग चल रही थी, मैंने पैकिंग वूकिंग की, नहाए धोए, मतलब साफ़ सफाई हो रही थी सुबह से, सामान रखा जा रहा था, कोई सामान कहीं पड़ा था, कोई सामान कहीं पड़ा था, क्योंकि आपको पता ही है कि हो ही जाता है ऐसे, तो सामान ही ढूंढ रहे थे, तो अचानक से बर्फ़बारी होनी स्टार्ट हो गई। देख सकते मेरे हाथ में, ये देख सकते हो बर्फ़ पड़ रहे, ये देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी, तो यहाँ बर्फ़ पड़नी अचानक से स्टार्ट हो गई है। मैंने देख सकते हो आप, ज़्यादा कपकपाहट हो रही है, अभी स्टार्ट है, काफ़ी ठंडा हो रहा है ऐसे में, अभी तो स्टार्ट हो रहा है, क्या पता पूरी रात पड़े। तो मैंने तो सोचा कि बर्फ़ पड़ रही है तो कैंसिल हो जाएगा, बर्फ़ ऐसी पड़ी तो मैं काफ़ी खुश हो गई थी, और मैंने सोचा कि अभी एक दो दिन और रहूँगी। अभी भाभी छोटे बच्चा है ना भाभी का, तो उसे काम है, तो उसे देख रही है थोड़ा, तो तब जाएंगे हम थोड़ी देर में। कितनी तेज़ धूप लग गई, तो मैं जाने की तैयारी थी, तो मेरी मम्मी ने कहा चाहे बर्फ़ पड़ जाए चाहे कुछ भी हो जाए, पर कल जाना है तो जाना है। तो हमने ये देख सकते हो सूटकेस पैक कर ली, और क्योंकि यहाँ से थोड़ा वो होता है ना, जो ये अरसा का खंडा है जो हमने परसों बनाए थे, तो वो होता है ना यहाँ से वहाँ, यहाँ नहीं आती बस सीधा सेतुखाल में आती है, तो मैं यहीं से बताती हूँ आपको सेतुखाल। तो वो देख सकते हो जहाँ पे आपको एक दो तीन दुकानें दिख रही होगी, दो तीन दुकानें दिख रही होगी वो ऐसे दुकान, तो हमें वहाँ जाना है सामान लेके अभी, क्योंकि कल सुबह इतना सारा सामान नहीं ले जा सकेंगे, तो काफ़ी दूर है हमारे गांव से। तभी मम्मी और चाय पी रही है, ये देख सकते हो, भाई भी चाय पी रहे, मम्मी भी चाय पी रही है, ये देख सकते हो। तो ये हम दोनों आज जा रहे हैं सामान रखने के लिए, मैं गुन्नू भी जा रहा है, मैं भी जा रही हूँ, हम तीनों ले जा रही हूँ ये अटे जी, और भाभी लाएगी वो कंडा, तो मैं तो खींच खींच के तो चलते हैं। तो अब हम जाएंगे सेतुखाल सामान रखने के लिए, क्योंकि हेलो अरे यू कब तक चैनी भी हो, जल्दी आओ फटाफट। तो ये आ रहे हैं, तो मम्मी उठा गुन्नू भी, कोई बात नहीं, आप तो बार का बंद हो गया, मैडम सॉरी। तो हम आ चुके हैं बरौली खाल में, हाँ तो गुन्नू बताएगा आपको सड़क के बारे में, तो ये देख सकते हो मैं तो खींच के ला रही हूँ, काफी थकान लगी है आधे समय में। गुनू बोल क्या हुआ, टॉप बॉडी
इधर देख के बोल डूंगर नम दी दिया। अच्छा सोएगा ना मतलब डूंगर सब नम दी दिया। किसने किया ये, किसने किया? किसी ने तोड़ बोड़ कर दिया ये ने। क्यों किया? वो आज आ रहा था तो मैंने उस खत्म पे देखा था। अच्छा और रोड बना रहा है? हाँ तो ये देख सकते हो आप, गुन्नू ये बोल रहा था कि ये रोड बना रहा है जेसीबी, और पूरी ये रोड चौड़ी हो रही है काफी, तो शायद ये पक्की भी हो जाएगी उसके बाद। तो देखो हाँ, तो गुन्नू ये बोलना चाहता है सारा ही टूटा टूटा है। अच्छा सारा ही टूटा है? हाँ वो तो है, बस 10 मिनट जाता है गंदा है। हैं देखो सबको गंदी है, अबे गंदा है। किसका कांडा है? बिलोक तो अब हम जाते हैं सेतुखाल, तो थोड़ा सा रह रखा है। तो आज की ब्लॉगिंग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।